अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ जो शख्स जुड़ गया है, इंडिया का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ इंडिया, अमन ब्रोड, हिंदुस्तान की आन बान शान है, बहुत जबरदस्त रेसलर पहलवान का इसको हो, अमन राम राम भाई छोटे भाई, कैसे हो? बढ़िया पहलवान जी, कहाँ एक्सरसाइज करते हो आजकल, प्रैक्टिस कहाँ होती है? छत्तरसाल स्टेडियम दिल्ली में। अच्छा पहलवान जी, कोच कौन है, उस्ताद कौन है, मतलब आपके गुरु जी है हमारे ऋषिपाल पहलवान जी, वे उन्हें की देख रेख में चल रहा है जी। पहलवान जी कितने साल तक पहलवानी करो? पहलवानी में 9 साल हो गया। अच्छा पहलवान जी किस कैटेगरी में लड़ा करो? 57 किलो। तो पहलवान जी इस कैटेगरी में कब से लड़ने लग रहे हो और यह कैटेगरी क्यों चुनी? इस कैटेगरी में सीनियर में तो 3 साल से लड़ने लग रहा हूं मैं, कैडेट जूनियर में तो 50-60 में लड़ा करता है, ये तो मेन कैटेगरी 57 किलो, इसमें तो 3 साल हो गया है। अच्छा पहलवान जी कंपटीशन कैसा है इस कैटेगरी में? कंपटीशन तो ऐसा है भाई, दो एक भी ना प्रैक्टिस ना करिए तो कोई और पाओगा वजन में, प्रैक्टिस का बहुत ध्यान रखना पड़े है। अच्छा इंडिया में कौन कौन है जो जिनके साथ मलमाले नेशनल हो है या कोई भी इवेंट आओ है इंटरनेशनल, तो उनके साथ ट्रायल हो है लगभग? भाई कई वो है, मतलब एक वजन 57 किलो में तो कई किस किस का नाम लियो, मतलब मेन तो रवि दहिया है। अच्छा अभी आपने रवि दहिया को बीट करके ही आप एशियन चैंपियनशिप खेलने गए थे? हम रवि दहिया तो भाई और किसे पार गया था, फिर मनोवर आया था, किस पर रवि दहिया आया था। अच्छा 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 पहलवान जी आज ब्रोकर सिटी में का ऑफिस खुला है, आप आड़े क्या करना रहे हो इसमें? मैं तो भाई आ रहा हूँ, मैंने तो प्लाट भी ले रखा बड़े, फिर और प्लाट लेने की सोच रहा हूँ। पहलवान जी इतनी दूर जाकर अपना यो ब्रोकर सिटी में उड़ा बड़ोदरा जाकर प्लाट लिया, कि मैं फ्यूचर लग गया इसमें? भाई लग गया है, बतावे है जड़ देखा बड़े इस का चक्रा चल रहे है, हमने भी मखोई आया पर देखा भी, और जाके भी देखा है था, मैं तो एक दो दिन अड्डा भी था, मैंने तो ईसा लागू बहुत प्रोग्रेस करा की भाई लग है। हाँ जब मतलब आपने नु लगा है जो पैसा इन्वेस्ट आपने कर दिया वो फायदे की जगह आप लगा रखा है? पहलवान जी राम राम। तो ईब जैसे अमन पहलवान जी प्रैक्टिस बुढ़े करो हो या कैंप वगैरह में लाग रहे हो? कैंप तो मैं 1-1.5 साल से बंद हो रहे हैं भाई, स्टेडियम में प्रैक्टिस करा हूं जी। तो पहलवान जी जैसे अब आप चाइना में खेलने गए, आपका मेडल भी आया, उस देश में खेलने का और इंडिया में खेलने का, यानी कि बाहर विदेश में जाकर खेलने का और इंडिया में खेलने का, क्या अनुभव रहा है? आड़े आसान कुश्ती है या उड़े आसान है? आसान तो कौन सी जगह है, लड़ांगे तो भाई फर्स्ट आगे तो आसान लग गया है, बाहर ज्यादा थोड़ी मुश्किल लग गई, इशा और करेंगे मेहनत, दोनों जगह सेम है भाई, इंडिया में बढ़िया प्लेयर है हर एक वजन में और बाहर भी। जी कौन कौन से मेडल रहे हैं अब तक, कौन से मेडल जीते हैं अब तक? सीनियर एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड भाई, अंडर 23 पहला इंडियन रेसलर जो गोल्ड लेकर आया था जी, और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जी। तो काफी सारे मेडल आपके पास रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग है क्या, कौन से ओलंपिक पर ध्यान है? ओलंपिक पर ध्यान है, अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप है क्वालिफाई वाली, तो मेन ध्यान उसी पर है जी। तो कितनी प्रैक्टिस डेली पहलवान जी? प्रैक्टिस भाई सुबह शाम 3-4 घंटे दोनों टीम, दोनों टीम। पहलवान जी हाइट कितनी आपकी? हाइट तो भाई 5'6" 5'6" पहलवान जी अब जैसे आपने चाइना में है गोल्ड ना मिला, क्या कारण रहा और क्या कमी लगी जो अब पूरी करोगे? गोल्ड की दुख तो है पर ऐसा लग गया भाई हार हूर तो कुछ ना होती, एक सीख हो है बाग जो कमी रही और सुधारांगे, कमी तो बात ही मैं जाती है 6-7 नंबर दे दिए थे भाई शुरू किए डेढ़ मिनट में ही, उनको कवर करते करते मतलब फिर टीम हो गया, इतना कोना बन पाया, फिर 9-10 का स्कोर आया। कई बार लोग नु सोच ले हैं पहलवानी ने, जैसे कई फिल्मों में पहलवानों को बदमाश टाइप दिखाया गया, कई आदमी नू लिखते हैं पहलवान गोड्डा में दिमाग हो पहलवान तो नू, रियलिटी में एक पहलवान ने कितनी जल्दी और मैट पे कितने सेकंड में फैसले लेने पड़ते हैं? एक एक सेकंड के मीनिया से फैसला लेना पड़े भाई, तो पहलवान का मतलब वो तो जो उठा लंबा ठाडा दिखा वही पहलवान है, पहलवान जो होगा वो कभी शिरकत करे को ना, जो भाई न्यू समाज में न्यू गलत मैसेज जावे, वो तो अपनी प्रैक्टिस पे सुबह शाम ध्यान रखा करना, बाहर की चीजें में ध्यान रखा। अच्छा पहलवान जी जैसे इंडियन रेसलर सारे
अपने भाई हैं उन गला भाईचारा है, मिलते रहो है, कैंपा मिला हाँ, बाउट हुए जब मिला हाँ, विदेशिया का किसान नेचर रहो है, विदेशिया का भी न्यू है हूं तो ही मल्ला भाई बढ़िया बात बूत कर रहे हैं जी सा इलाके जगह अपने देश में रहे पहलवाना के न्यू है बड़े बार भी इसे रहे हैं पहलवान जी। अमन किसा पहलवान है, डिफेंसिव है, अटैकिंग है, किस तरह लड़ा रहा है? अमन अमन तो भाई मतलब वैसे स्टेप ना कि उस तरह जी जी मतलब ये न्यू है भाई लास्ट लग थका लूंगा इसने तो स्कोर ले लेंगे जी। नहीं जैसे आपने कहा भाई उसमें जाते पाँच छः वो दे दिए अटैक ना कर पाएगी, अटैक भी करे थे भाई फिर अगला भी मतलब ज्यादा स्कोर कर फिर उसने भी एक दो भी ले लिए थे फिर उस समय ले दे ही मौके। अच्छा पहलवान जी स्लेजिंग भी हो जाओ कुश्ती में भी, जैसे विदेशी पहलवान है लड़ते लड़ते कुछ कह दे इस तरह कोई बातें मतलब ना इस तरह दबाने के लिए कुछ ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं सीधी बाउट। अच्छा हाथ जैसे आप हरियाणा में जब कुश्ती लड़ा कर रहे हैं दंगल में कितने भी तो अपनी एक आदत से वो आप पहले अगले अगले हाथ मिलाओगे तब जाकर कुश्ती लड़ेंगे, अगर इंटरनेशनल इवेंट है और उस मैट पे है तो भी सेम प्रोसीजर है? हाँ सेम प्रोसीजर है तो भाई सब मलाव है बीच में का थपड़ा थपड़ी हो जाऊं गलती तो लग जाए जब भी हाथ मलाव है भाई आगे वो ना हो भेदभाव मतलब हाथ तो मलाना जी। थैंक यू पहलवान जी। और भाई एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा फ्यूचर ऑफ इंडिया अमन भाई है और हम उम्मीद कर रहे हैं इब एशियन चैंपियनशिप हो उसमें भी और आगे ओलंपिक आ उसमें भी भाई साहब इबल मामने ना चमकता सब मतलब ऊपरले स्टेप पे खड़े पाने चाहिए। हां जी जरूर खड़े होंगे जी, ये पूरा देश आपकी तरफ देखन लाग रहा है और हमने बस ऊपरला स्टेप और गोल्डन कलर का चाहिए बेरड ही चमकनी चाहिए। हां जी देश पे जरूर गोल्ड देवांगे जी। थैंक यू पहलवान जी। राम राम भाई। तो भाई अमन ब्रोड हमारे साथ जुड़ा था, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त अच्छे स्वभाव का ये पहलवान है और ब्रोकर सिटी आप देखने लाग रहे हो यो भी उलझ रहा है इसमें एक प्लाट अटका रहा है, हम दोनों कहो भाई आपने इसमें भी फायदा मिला गोल्ड मिला अभी शेयर कर दो वीडियो ने और ब्रोकर सिटी में अगर किसी भी भाई ने इन्वेस्टमेंट करना है तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है आप इनसे बात करके अपनी तसल्ली कर लेना, पहले प्रॉपर तसल्ली ये लोग बता पाओगे भाई है क्या किस तरह से चल रहा है, तसल्ली करके अपना काम आगे बढ़ाइयो और इस वीडियो ने शेयर कर दियो। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।